हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैंगलोर जायका। आज मैं मसूर की दाल सिंपल तरीके से बनाना दिखा रही हूँ। पहले क्या करेंगे, कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, एक 2 या 3 टेबलस्पून ऑयल। उसके बाद ज़ीरा, जैसा ज़ीरा डालते हैं उसके साथ प्याज कटकर को डाल लियो। उसके बाद हमें ज़र्रा प्याज नरम हुई तो बस, देख सकते हैं ज़र्रा प्याज नरम होते हैं। हमें टमाटो डाल रहे हैं उसमें, मसूर की दाल बना रहे हैं उसमें, वो भी बहुत मज़े की आती है। उसकी खिचड़ी भी बहुत मज़े की आती है। टमाटो कट कर को डालियो, वो भी हरी मिर्ची, कोथिमीर ज़रा कट कर को, सब मिक्स कर ले को हमें। लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छा कड़ला कर लियो। लाल मिर्ची का पाउडर, उसके बाद नमक, ज़रा नमक डाल लियो। हल्दी, इसे अच्छा मिक्स कर को। इसमें अब हमें क्या करेंगे, इसमें मसूर की दाल भिगो को रखें, सो डाल लेंगे, धो को रखें सो। और इसमें हमें क्या करना है, इसे कुकर में मैं एक सीटी ले ले रही हूँ पानी दाल को। देख सकते हैं दाल गल गया। हमें इसे घोटना नहीं ज़्यादा, खाली स्मैश कर ले बस। रोटी के साथ बहुत मज़े की आती है, नरम हो को हर चीज़ दाल उसे। अब हम इसमें बघार डालेंगे, एक रत्ती पानी ऐड कर को। इसकी कंसिस्टेंसी थिक्कीच रहती है। अब हमें इसमें मैं बघार डाल रही हूँ, राया, करिया पाक, लाल मिर्ची, दाल रेडी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े की आती है, सिंपल और इजी। रति कोथिमीर ऐड कर को। कीप वॉचिंग बैंगलोर जायका, ज़रूर ट्राई कर को। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कैसी बनी दाल कर। खुदा हाफिज़।